आज मैं आपको बताऊंगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, अनओरिजिनल कंटेंट मोनेटाइजेशन इश्यूज, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं अनओरिजिनल कंटेंट के बारे में। तो दोस्तों, इस पे बहुत से यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि सारी वीडियोस डिलीट कर दो, फिर रिपोर्ट करो, आपका चैनल या प्रोफाइल या पेज जो भी है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है। मैं बताता हूँ अनओरिजिनल कंटेंट के बारे में। तो दोस्तों, मेरे प्रोफाइल में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी यानी अनओरिजिनल कंटेंट की समस्या आ गई है, जिस वजह से मेरे प्रोफाइल अब मोनेटाइज नहीं होगी। ये अनओरिजिनल कंटेंट की समस्या तब आती है जब आप किसी और का वीडियो उठाकर अपने चैनल या प्रोफाइल या पेज पे अपलोड कर देती हैं, तब आती है ये प्रॉब्लम। और इस समस्या को हल करने का बस एक ही उपाय है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करिए और ना ही बीच में छोड़कर जाइए। सबसे पहले आप अपना फेसबुक ओपन कर लीजिएगा और वहाँ से प्रोफाइल पे क्लिक करके मोनेटाइजेशन पे जाइएगा और इन स्ट्रीम एड्स पे क्लिक करिएगा, फिर सी पॉलिसी इश्यूज पे क्लिक करिए। अब देखिए, यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा रिव्यू रिक्वेस्ट का। मैं रिव्यू में भेज दिया हूँ इसलिए मेरा ऐसा कलर दिख रहा है। अगर आप रिव्यू में नहीं भेजे होंगे तो आपका ये ब्लू कलर का होगा। अब आप यहाँ ध्यान रखें, इसे पहले ही आपको रिव्यू में नहीं भेजना है। सबसे पहले हमें अपनी वो सारी वीडियोस को डिलीट कर देनी है जो हमें लगे कि ये मेरी वीडियोस नहीं है। फिर आप यहाँ आकर रिव्यू पे क्लिक करके आप रिव्यू में अपना प्रोफाइल या पेज भेज सकते हैं, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अब बात आती है कि आप बिना वीडियो डिलीट किए अपना प्रोफाइल या पेज को रिव्यू में भेज चुके हैं, तो अब आप क्या करें। सबसे पहले आप देख लो, ये मेरी 3 मई को क्रिएट की गई आईडी है, आज से 3.5 महीने हो गए, मतलब 3 महीने से ज़्यादा। और देखो, मेरा क्राइटेरिया सब कंप्लीट है, पूरा है। 5000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, बस 400 ही बचे हैं। वीडियो में 60,000 मिनट होना था तो मेरे 2,78,918 मिनट हो गए, उससे ज़्यादा हो गए। और केवल 5 बार लाइव आना था तो मैं 11 बार लाइव आ चुका हूँ। ये सब देख लिए तो अब मेरी प्रॉब्लम सुनो। तो मेरी आईडी प्रोफाइल पे आ गया है अनओरिजिनल कंटेंट इशू, जबकि मेरे सारे कंटेंट वीडियोस जो भी है मेरे अपने ही हैं, दूसरे के नहीं हैं। बस मैंने एक गलती की, वो सारे वीडियोस में से एक वीडियो गलती से मेरे यूट्यूब की अपलोड हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसे डिलीट कर दूं, और मैंने अपनी प्रोफाइल को रिव्यू के लिए भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने फेसबुक को 10-15 बार रिपोर्ट किया, उस वीडियो को डिलीट करके भी रिपोर्ट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनओरिजिनल कंटेंट इशू नहीं हटा। आज 3-4 महीने हो गए, मैं 11-12 बार लाइव आ चुका हूँ, फिर भी सही नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये चक्कर में ना रहो कि ये मेरी आईडी ठीक हो जाएगी, इसका इंतज़ार ना करो और दूसरी आईडी बनाओ, क्योंकि ये समस्या जल्दी ठीक नहीं होगी, इस पे मेहनत करना बेकार होगा, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला, इस पे मेहनत फालतू है। इसलिए दूसरी आईडी बनाओ और उस पे मेहनत करो। मुझे 3-4 महीने हो गए, मेरी आईडी अभी भी सही नहीं हुई और ना ही शायद कभी सही हो। और अगर आप में रिव्यू का रिक्वेस्ट आया है तो पहले अपनी सारी वीडियोस चेक करें, फिर रिव्यू में भेजें। वीडियो अगर ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।